हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कैसे आप अपने ब्लॉगर में एक अपना प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ब्लॉगर में या आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर वैसा प्रोफाइल आप भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सिंपली अपने ब्लॉगर में लॉग इन कर लेना है। आप अपने पासवर्ड और यूज़र नेम से लॉग इन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ब्लॉगर का डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, आप यहां पर देख सकते हैं। आपको अपने डैशबोर्ड में चले जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर मैं अपना डैशबोर्ड में आ गया हूं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहां पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स का ऑप्शन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बेसिक, तो आपको सिंपली नीचे आ जाना है। सबसे पहले देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पर और भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको सिंपली यूजर सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं अपना यूजर सेटिंग पर क्लिक कर रहा हूँ। यूजर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जनरल यूजर प्रोफाइल, और उसके सामने है बटन एडिट का, और उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली आपको एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एडिट यूजर प्रोफाइल का एक और इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपना प्रोफाइल को शेयर करना चाहते हैं तो आप इसमें टिक का निशान लगा सकते हैं, यस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी, यूजर नेम सब ऐड कर सकते हैं। इसे बारी बारी से ऐड करके मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। सिंपली आप अपना कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं दोस्तों। अगर आप ईमेल आईडी अपने ब्लॉगर के प्रोफाइल पर दिखाना चाहते हैं तो आप यहां पर डिस्प्ले नेम डाल सकते हैं, अबाउट द ऑथर या अबाउट एस कुछ भी डाल सकते हैं, या अपने बारे में या मेरे बारे में या ऑथर के बारे में कुछ भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये आपको मन से लिखना है। और यहाँ पर और ऑप्शन आ रहा होगा चूज योर कंप्यूटर प्रोफाइल फोटो, अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली फाइल्स पर जाना होगा। आप यहां पर देख सकते हैं मैं अपना प्रोफाइल फ़ोटो है जो यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं। आपको जहां फ़ोटो है वहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैं अपना प्रोफाइल फ़ोटो है जो यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं। आपको जो भी सेट करना है आप वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली कोई भी एक फ़ोटो को सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा अपलोडिंग, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली ये अपलोडिंग हो जाएगा कुछ समय में। आपका इंटरनेट अगर स्पीड चलेगा तो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर और भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जनरल, अगर आप मेल हैं तो मेल में कर दीजिए, आप फीमेल हैं तो फीमेल। यहाँ पर आप अपना होम पेज का यूआरएल भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अपना देख सकते हैं दोस्तों मैं अपना डाल रहा हूँ https://www.websiteshindi.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना विश यूजर यूआरएल डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिंपली नॉन पर रह देना है। और यहाँ पर आपको लोकेशन का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप अपना लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं, आप जहाँ पर रहते हैं उसे का लोकेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना लोकेशन को ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्यूपेशन, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा अगर किस कंपनी में काम करते हैं तो ऑक्यूपेशन डालना है। अगर आपका ब्लॉग किस आधारित है, किस चीज़ के बारे में बताता है, आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि आपका ब्लॉग इंटरनेट से रिलेटेड है या किसी से भी रिलेटेड हो, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं अपना टेक्नोलॉजी से मेरा ब्लॉग रिलेटेड है, मैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन में कुछ भी डाल सकते हैं या कुछ भी लिख भी सकते हैं आप अपने मन से। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, उसके बाद नीचे यहाँ मैं अपना डाल दिया हूँ। आप यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन का आपको ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपने तरह से आप डालिए। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ या आई एम, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसे डालने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, आप अपने हिसाब से डाल दें। उसके बाद यहाँ पर फेवरेट मूवीज का भी नाम डाल सकते हैं, आप अपना फेवरेट म्यूजिक या कुछ भी डाल सकते हैं, फेवरेट बुक्स, आपको यह ऑप्शनल है दोस्तों। डालना है तो डाल दिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं डालना तो नहीं डालिए।
ये सब करने के बाद आप यहाँ पर एक बार मिला लीजिए। देखिए आप, मेरा प्रोफाइल फ़ोटो है यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। आपको सिंपली इसके बाद आपको सेव प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। सेव प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपका जो प्रोफाइल है ये सेव हो जाएगा और ये आपको ब्लॉगर के अबाउट अस पेज में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो योर साइट हैज बीन सेव। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, या व्यू अपडेट प्रोफाइल पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट अस माय ब्लॉग्स, यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। आप यहाँ पर जितना ज़्यादा लिखिए अपने इंट्रोडक्शन में उतना आपको लिए सही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके बारे में है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा।